वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बन रही है हमारे घर पे डिनर में खिचड़ी। तो चलिए, यहाँ पे मैंने कुकर में ऑयल रख दिया है, मैं बना रही हूँ कुकर में खिचड़ी। और इसमें हम डाल देते हैं राई और थोड़ा जीरा। थोड़े ये गरम मसाले जैसे ताज पान है, लौंग है, मरी है और रेड चिली। अभी इसमें हम डालेंगे थोड़ी हिंग, हल्दी और ये जो सेंधाने हैं। मैं ये सिंगदाने डालती हूँ तो बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं सिंगदाने खाने के लिए, और आलू। तो मैं खिचड़ी में हमेशा सिंगदाने और आलू जरूर से डालती हूँ। और इसमें हम डालेंगे ऑनियन, खाने में बहुत ही टेस्टी तो लगती है, खिचड़ी है तो टेस्टी तो बनेगी। और आप एक मिनट, पहले मैं डाल देती हूँ इसमें नमक, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैंने नमक भी डाल दिया है। इसमें हम डाल देते हैं लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली, उसको मैंने कूट के ले लिया है। अभी हम इसमें डाल देते हैं जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली कूट के। और इसमें हम डालेंगे आलू, ये ऐसी खिचड़ी में नॉर्मल खिचड़ी है। हमारे घर पे महीने में कितनी बार बनती होगी, 6-7 बार। हाँ, 6-7 बार, यानी हफ्ते में एक बार बनेगी या दो बार, ऐसे तो ये हमारे घर पे खिचड़ी बनती है। देखिए, एकदम इजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, सबको पसंद है ये वाली खिचड़ी। इसलिए मैं ऐसी खिचड़ी ज़्यादा बनाती हूँ, बच्चों को ज़्यादा पसंद है। तो मैंने मेरी चैनल पे बहुत सारी डिफरेंट टाइप की खिचड़ी मैंने आपके साथ शेयर की है, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक दे दूँगी। और यहाँ पर मैंने ले लिए है चावल और तुअर दाल। तो ये तुअर दाल है और चावल, उसको मैंने धो के भिगो के 1 घंटे से रखा है। तो चलिए, अभी इसमें मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और गरम मसाला कर लेंगे हम मिक्स। तो ये हमारा खिचड़ी का मसाला रेडी हो गया है। अभी हम इसमें डाल देते हैं ये चावल और दाल। मैंने यहाँ पे 3 कप राइस लिए थे, यानी चावल लिए थे, और 1 कप दाल ली थी। तो देखिए गाइस, ये मैंने चावल और दाल डाल दी और इसमें मैंने थोड़ा पानी डाला है और थोड़ा ही डालूंगी, क्योंकि मैंने चावल और दाल को 1 घंटे से भिगोया हुआ है। तो थोड़ा पानी डाल के, अगर आपको ज़्यादा एकदम पतली खिचड़ी चाहिए
तो आप इसमें ज़्यादा पानी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कुकर बंद। अभी हम इसको आने देंगे दो ही विसल। दो विसल में तो हमारी खिचड़ी रेडी हो जाएगी, एकदम टेस्टी और एकदम लाजवाब। तो चलिए खिचड़ी होती है रेडी, तब तक मैं खिचड़ी हम खाएंगे छाछ के साथ। तो ये है छाछ, खिचड़ी को सर्व करेंगे हम ये बटर मिल्क के साथ खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है। आपने अगर खाई नहीं है तो ज़रूर से बटर मिल्क के साथ खिचड़ी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। और आपको अचार पापड़ किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हम इसका मिसल होने देते हैं, चलिए मिलती हूँ मैं आपको। मिसल बच गई थी तो हम आ गए किचन में और हमारी खिचड़ी रेडी, बहुत ही टेस्टी और यम्मी, एकदम यम खिचड़ी। देखिए बहुत ही अच्छी बनी है और टेस्ट में तो एकदम लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। इसको हम पहले थोड़ा मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले सबके खाने में हिस्से में आए। किसी किसी को मसाले आते हैं खाने में तो बोलते हैं कि मेरे में ही सींग आई सब, मेरी डॉटर ऐसे बोलती है, मेरे में ही सब सींग आई और मेरे में ही सब आलू आए ऐसा। तो चलिए ये मेरी डॉटर कर रही है डिनर, खिचड़ी छाछ और उसके ऊपर उसको घी चाहिए, तो ये डाल दिया मैंने उसके लिए घी। खिचड़ी और छाछ ये करेगी डिनर। तो गाइस ये हमारा एकदम सिंपल और इजी डिनर का मेनू रेडी है। हम ऐसा ही डिनर करते हैं महीने में 6-7 बार, यस 6-7 बार तो ऐसा ही हम खाना खाते हैं। हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी जल्दी से और लाइक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए, थोड़ा भी पसंद आए, तो लाइक जरूर से कीजिए। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगी। और जो बाकी खिचड़ी मैंने बोली थी आपसे कि बहुत सारी खिचड़ी की रेसिपी मैंने शेयर की है, तो उसकी भी लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए चलिए बाय। तो ये डिनर हो गया, बाय, गुड नाइट, सबा खैर।